नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राकेश शर्मा पर 10 लाइन आसान शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। दूसरी लाइन है, उनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। तीसरी लाइन है, उनके पिता का नाम देवेंद्र शर्मा तथा माता का नाम तृप्ता शर्मा था। चौथी लाइन है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में हुई। पांचवी लाइन है, उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। छठी लाइन है, राकेश शर्मा बचपन से ही विज्ञान में काफ़ी रुचि रखते थे। बिगड़ी चीज़ों को बनाना और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखना उनकी आदत थी। सातवीं लाइन है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1966 में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी से हुआ और इंडियन एयरफोर्स में कैडेट के रूप में शामिल हुए। आठवीं लाइन है, 20 सितंबर 1982 को उनका चयन इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर और सोवियत संघ के एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए हुआ। नौवीं लाइन है, अंतरिक्ष से लौटने के बाद उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया था। आखिरी और दसवीं लाइन है, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्हें सोवियत संघ के द्वारा हीरो ऑफ सोवियत संघ पद से सम्मानित किया गया था। आपने देखा राकेश शर्मा पर 10 लाइन आसान शब्दों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।